के अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं उस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ ना, बिल्कुल इन सारे प्रोजेक्ट्स पे काम ये कर प्रोजेक्ट क्या यूएस वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो इंडिया में वो उस तरह का एप्लीकेशन नहीं है क्या? रहा हूँ। नहीं, इंडिया में एप्लीकेशन नहीं है, यूएस के अंदर एप्लीकेशन बिल्ड करके और फिर उसको इंडिया में भी वो लॉन्च करेंगे हम, ये अच्छा, चीज। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन जो है डिजाइन कराएंगे यूएस में ही बिल्कुल, इंडियन रिसोर्स को यूज करके। अच्छा, इंडियन रिसोर्स को यूज करके यूएस वाले डिजाइन करवाएंगे और यूएस में और इंडिया में दोनों जगह बेचेंगे। और उनका सर जो वहाँ के सीईओ हैं, हमारी डेली बेसिस पे बात होती है, तो वो उनका यही कहना है यार, ये आइडिया लीक नहीं होना चाहिए, अगर ये लीक हो गया ना, इंडिया बहुत जल्दी कॉपी करता है चीजों को। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, लीक करने की कोई मतलब नहीं है, आप जो कर नहीं रहे हो मतलब कीप करो। और रही बात है हमारे साथ, तो मेरे साथ कोई ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कहीं नहीं होती। अरे मैं वो चीज नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बता रहा है? हूँ आपके बारे, अपने वो चीज की बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि रिसोर्सेज वो इंडिया का यूज कर रहे हैं, ऐप लॉन्च इंडिया में कर रहे हैं, अच्छा, लेकिन उनकी सोच ऐसी होती है आगे से कि किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या हम छुपाना, वो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे तो 1% भी। अच्छा ओके, तो ये जो आप कर रहे हो ये एप्लीकेशंस का यूज जो है किस पे करोगे, किसका डेटाबेस कलेक्ट करने कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो? इनको गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट से पूरी परमिशन मिली भी है, जिनको क्या यूएस गवर्नमेंट को कुछ डेटा चाहिए लोगों से, अच्छा, जैसे कि उनको कहाँ कफ हो रहा है, बुखार है नहीं है, वो कहाँ जा रहे हैं, लोकेशन ट्रैकिंग। तो इसके लिए गूगल एंड एप्पल जैसी सर्विस ने काफी सर्विसेज फ्री कर दी जो कि इन हेल्प ऐप को यूटिलाइज करने में यूज करेगी, लोकेशन और अच्छा काफी सारी। तो बेसिकली हमें डेटा कलेक्ट गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, वो चीज है, गवर्नमेंट को हाँ, देंगे तो गवर्नमेंट का हेल्प हो रहा है इसमें। अच्छा ठीक है। इसको कबो ये वेब माइनिंग के लिए क्या कर रहे हो, वेब माइनिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी क्या बना रहे हो? तो कोई स्ट्रेटजी अभी बनाई नहीं कल मैंने। अरे कैसे पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स तैयार किया या नहीं, एग्जाम भी तो होने हैं तेरे को या नहीं? बिल्कुल होने है, हैं? बिल्कुल होने है, इसलिए मैं आज ज्वाइन किया क्लास। आई विल ट्राई टू ज्वाइन ऑन रेगुलर बेसिस। तो क्या कोई फ्रेंड्स हैं क्या? नहीं हाँ, सर, टॉपिक को जो भी टॉपिक होता है अपना सिलेबस के अंदर, वो ऑनलाइन डाल के उस पर रीडिंग करते हैं या फिर उसकी यूट्यूब वीडियो देखते हैं। इसमें लिखोगे नाम क्या? जयंती। ठीक है, अब तैयारी, अपना काम करते रहिए, ठीक है? बिल्कुल सर, सो फिफ्थ है ना? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया ना? मैं भर दूं या भर दो? फुल टाइम ही तो लिखा हुआ है सबका, फुल टाइम ही है सबका, हमने भेजा फुल टाइम ही भेजा। ये लड़की तेज है पता है। मेरे को क्या बोली पता है, यही रजनी, कि
कि सर इसका कैसे करें। हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे काम करो। बोला हो जाएगा ना। हम बोले तुमको जितना काम बोले वो काम कम्प्लीट करो। तो लोग ऐसे बोल रहे हैं। हम बोले लोग से क्या लेना है तुमको, हाँ तुमको अपने से मतलब है कि ना, हाँ। इसने तो पेपर भी पब्लिश कर दिया, लगाना है क्या उसका पेपर भी? नहीं चलो ठीक है, वो इंटरनल मैटर है। ये आपका रजनी कुमार वोरा, इसका सर्टिफिकेट कैसे लगाओगे? इसका सर्टिफिकेट आपको लगवाने पड़ेंगे इसमें, ये जो पास हुआ है कोर्स वर्क। हाँ, आप निकाल, लेकिन मेरे पास पेंटिंग नहीं है ना मशीन। आप उसको निकाल के इस पे लिख दीजिएगा, बोलिए तो ये अपेंडिक्स लगा दूं कि इस पे लिख दूं क्या अपेंडिक्स। लेकिन अपेंडिक्स के साथ आप ये भी तो लगा रहे हो, इसलिए अपेंडिक्स नहीं लिख रहा हूँ। जनरली ये जो पास, फिफ्थ सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर ही है ना, ये हो गया लेवल, लेवल फिफ्थ है ना, फिफ्थ ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जीरो नहीं होना चाहिए, फिफ्थ लिख दो। हाँ सबके स्टूडेंट लेके आए ना मेरे को, मैं तो बोल रहा हूँ कि लेके आए। आपको पता है मैं पहले बार भी कोशिश किया था इन लोगों को जैसा सुपर जॉब बनाने। उस समय जो सिचुएशन हुई थी, वो सिचुएशन ये हुई थी कि रूल नहीं था उसके लिए एलिजिबल नहीं था। जब कल्याण सिंह गया ना तो उस रूल में थोड़ा सा संशोधन हुआ, और अभी रिसेंटली 1 तारीख को हम लोगों ने नया रूल बनाया है जीआरसी का, जिसमें इन लोगों को पास करवा दिया।
ये लोग सोच रहा है कि ये सब पास करा है, सच ये है कि साला मैं यहाँ से सब मेहनत करके पास कर पा रहा हूँ कि भैया कर ले। मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि ज्यादा ज्यादा पेपर आए सभी कॉलेज को फायदा हो, लेकिन सवाल ये है कि ये लोग मेहनत करे तब तो, है ना। डिपार्टमेंट होगी, एक नया स्टाफ का अपॉइंट करवाना, खत्म। हाँ और क्या, मतलब फुल फ्लेज रिसर्च डिपार्टमेंट बनाओ। हाँ और क्या, सर को स्टूडेंट्स आएगा क्या अगली क्लास में, क्लास होगी क्या कुछ? हेलो, मैं पूछ रहा हूँ सर कोई क्लास होगी? हाँ वैभव, क्लास होगी क्या सर? क्लास कर लेंगे। ओके एक बात बताओ। यस। मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया था वो प्रेजेंटेशन तुम्हारे पास है क्या? कौन सा प्रेजेंटेशन? नोट्स, इसमें अटैच होता है क्या? एग्जाम हो गई थी तुम्हारी? एग्जाम हो गई थी सर। अच्छा चलो ठीक है, मैं फोन पे बात करूंगा, ठीक है सर। अच्छा।